सुना हुकूमत किसको कहते हैं। हजरत उमर गुजर रहे, फजर की नमाज के बाद दो गलियां रह गई हैं, आज पूरा नहीं हो सका आपका दौरा। एक छप्पर है छोटा सा, बूढ़ी अम्मा बैठी है। उमर फारूक गुजरने लगे, बूढ़ी को परेशान देखा, अम्मा जी इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। बूढ़ी कहने लगी, चल दौड़ जा अपना काम कर, क्यों इजाजत दूं। तेरी मेहरबानी अम्मा आने दो, जा दौड़ जा, तेरी मेहरबानी अम्मा गुजारिश है, चलो आ जाओ। अंदर आ गए उमर फारूक, अम्मा क्या परेशानी है, क्या बात। अम्मा कहने लगी, खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी कोई नहीं, मैं गरीब हूँ, तीन दिन से रोटी नहीं खाई, 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है, उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा। कहने लगे, शिकवा है, उमर आया ही नहीं। हजरत उमर कहने लगे, अम्मा उमर को क्या पता कि तू इस हाल में है। कहती है, नहीं पता उमर को, तो उमर से कहो छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। हजरत सैयदना नाफे फरमाते हैं, जिसके सामने किसरा और रूम के बादशाह कांपा करते थे, मैंने उस उमर को बूढ़ी अम्मा के सामने कांपते हुए देखा। राशन तारी है उमर फारूक का। दौड़े गए, 25 दिनार लाए, राशन रख के लाए, रोटियां पकाई, बूढ़ी अम्मा को खिलाई। कहने लगे, अम्मा 25 दिनार ले ले और चल, गलती हो गई, उमर को माफ कर दे। अम्मा बोली, बोल के कहने लगी, मैं नहीं माफ करती, एक दफा कब्र में जा लेने दे, मेरे रसूल आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूं। अमीरुल मोमिनीन होके उमर फारूक अम्मा के कदमों में बैठ गए। कहने लगे, अम्मा उमर कमजोर है,